22 साल में किले को बनाया हुआ है। किले का नाम मुरूड जंजीरा नहीं है, किले का नाम हफ्सा ने जजीरा है। क्या नाम है? मुरूड जंजीरा हम लोगों के तालुके का नाम है, हफ्सा ने जजीरा। ये किले का नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये किला बनाने वाले जो नवाब थे ना, ये अफ्रीका के थे और अफ्रीका के लोगों को हफ्सी लोग कहते हैं, आपको मालूम होगा। और पानी के बीच में जो डोंगर होता है ना, उसको अरबी जबान में जजीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जजीरा। हफ्सा ने जजीरा, अफ्रीका के लोग हफ्सी लोग, और पानी के बीच में आइलैंड है, उसको जजीरा कहते हैं। तो किले का नाम मुरूड जंजीरा या हफ्सा ने जजीरा? हफ्सा ने जजीरा, लेकिन लोगों ने इसको मुरूड जंजीरे के नाम से फेमस किया। आ जाइए, के सबसे बड़े तीन तोफ कलाल बंगरी, गायमुख चौरी। भारत में ये तोफ तीन नंबर पे आता, पहला मुलुक मैदान तोफ बीजापुर में, दूसरा मेंढा तोफ दौलताबाद में, और तीसरा कलाल बंगरी जंजीरे किले के अंदर। इसका वजन कितना है? 22,000 किलो। इसको यहाँ पे बनाया, देखो ये रिंग रिंग अलग अलग देख रहे हैं ना आप, इसको पेंसिल से जो ग्रेफाइड होता है ना, सीसा सीसा, उससे इसको ज्वाइंट किया हुआ, समझे कि नहीं आप लोग? वेल्डिंग वेल्डिंग। अभी अपन अपने मतलब अभी इसको चलाने का जो सिस्टम था ना, इसके नीचे ना पहिए लगाने, पहियों से पीछे खींचने के, आगे से खाली है, वहाँ से गोला बारूद डालने के, और यहाँ से वात लगाने। यहाँ पर देखो खड्डा गिरा, वात वात रहती ना भाई, क्या अंदर देखते हैं समझ। ये ना जब गोला उड़ने का ना इसका, तो 6 किलोमीटर तक जाता था, कितना? 6 किलोमीटर। धूप में गर्म नहीं होता, हाथ लगा के देखो क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोहा नहीं है, इसको फाइव मेटल में बनाया हुआ है, समझे कि नहीं? अगर ये लोहा होता तो समुंदर की खारी हवा लगने की वजह से ना ये जंग पकड़ के खराब हो गया, तो ये जंग नहीं पड़े। 1947 तक किला हुआ था, 47 के बाद किला गवर्नमेंट के हाथ में गया, वरना जंजीरा फोर्ट या अनकैप्चर फोर्ट है, किसी ने जीता हुआ नहीं। नवाबों ने जब किला छोड़े ना, तो नवाबों ने अपना अपना सामान मुरूड में एक पैलेस है उनका, नवाब पैलेस हवेली, देखो देखेंगे आप लोगों ने, वहाँ पर ले जा के रखा हुआ है। जब नवाब गए ना, तो यहाँ के कॉमन लोग भी किला छोड़ के चले गए, क्योंकि जब तक नवाब थे, जब तक कॉमन लोग थे, नवाब जाने के बाद यहाँ के कॉमन लोगों को तकलीफ होती थी, खाने पीने से, हर बात से, मतलब ये कॉमन लोग ही है ना, उसकी प्रजा थी, समझे कि नहीं आप लोग? तो जब नवाब गए तो प्रजा क्या करेंगे किले के अंदर, तो लोग बेचारे भूखे पैसे रहते थे, तो लोग किला छोड़ के चले गए। जाते वक्त उन लोगों ने भी अपने अपने घर का सामान लेके चला गया, जैसे खिड़की दरवाजे छतवत हुआ ना, चंदन में था लकड़ा, बरमाटिक साग में लोगों ने लेके चले गए। 5 मस्जिद, स्कूल, मार्केट, दुकान, हर चीज़ था किले के अंदर। 47 तक किला आबाद था, उसके बाद बर्बाद हुआ, और यहाँ के लोग है ना गाँव में गए, जिस गाँव से आप लोग टिकट निकाल के ना, राजपुरी गाँव, वहाँ पर कम अज़ कम 3-4 हज़ार घर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किले के अंदर गए, यहाँ से लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, समझे कि ना? चलो, वो किले का टेरिस वहाँ से तोफ चलाते हैं। दूसरा फ्लोर वॉच टावर, और इसके नीचे एक फ्लोर है, वहाँ पर बारूद रखते हैं। ये वॉच टावर डे नाइट बने, अपन डे नाइट के लिए कांच लगाते हैं ना अपनी खिड़की के अंदर, उन लोगों ने कांच नहीं, उन लोगों ने पत्थर में इसको डे नाइट बनाया। पहला विंडो देखो छोटा है, कमान बनाए भी ना महराब, देखो महराब छोटी है फिर बड़ी है, फिर सीलिंग देखो कितने नीचे किया हुआ, ये स्लैब स्लैब, समझे कि नहीं आप लोग? मतलब वो बाहर से देखने वाले के लिए अंधेरा लगता है, मगर अंदर वाला बाहर वाले को देख सकते, समझे कि नहीं? अगर आप लोग को इसका तजुर्बा करना है, तो बोट में बैठ के जाएंगे ना आप लोग, पीछे पलट के किले को देखो, सारे विंडो के अंदर आप लोग को काला काला नजर आए इसके अंदर बाहर से। अभी अपन अपना घर बनाते हैं, तो विदाउट स्टील घर के ऊपर स्लैब डाल सकते हैं अपन? पहले का स्लैब देखो, ये विदाउट स्टील है, इसमें स्टील नहीं, सिर्फ पत्थर है, और ये बरसात गिरती है ना, तो एक बूंद भी पानी नहीं आता, यकीन मानो आप लोग, वरना अपना स्लैब आपको पता है। और इसके अंदर मटेरियल क्या मान, गुड़ खाते ना मीठा वाला, गुड़, सीसा, चूना और समुंदर की रेत इस्तेमाल की हुई। और अपना स्लैब 6 इंच का होता है, ये 72 इंच का मोटा स्लैब, कितना? 72 इंच, 72 इंच मोटा है ये, मतलब 6 फीट अपने हाइट के इतना मोटा इसका थिकनेस है। अभी अपन आगे जाएंगे और अंडर वाटर टनल देखेंगे। तो ये सामने देख रहे हैं ना आप लोग, ये रास्ता, लेकिन इसको ब्लॉक किया हुआ है गवर्नमेंट ने 93 के बाद। 93 से पहले ना हम लोग के समुंदर में स्मगलिंग चलता, समुंदर दाऊद इब्राहिम यहाँ से स्मगलिंग करता था, समझे कि नहीं? तो ये समुंदर से स्मगलिंग चलता है, और किसी को ये नेटवर्किंग के जरिए ये रास्ते के बारे में पता चला, और ये रास्ते का इस्तेमाल अगर कभी स्मगलिंग या कोई भी गलत चीज़ के लिए हुआ ना, तो किला सील करेंगे गवर्नमेंट, समझे कि नहीं आप लोग? उससे पहले गवर्नमेंट ने इसको सील किया यहाँ से और वहाँ से, मतलब इसका कोई गलत वापर गलत इस्तेमाल ना करे, इसकी वजह से इसको ब्लॉक करके रखना। 1,000 साल पानी के बीच में किले को हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को दीवार टूटी हुई देखी बाहर से, हर पत्थर में लॉक है, फाउंडेशन में पत्थर रखा, पत्थर को होल गिरा, खड्डा गिरा, और ऊपर से आने वाले पत्थर को नीचे से पॉइंट रखा, समझे कि नहीं आप? ऐसा समझे ना भाई,
इसके ऊपर चैनल पत्थर को नीचे से पॉइंट है, नट बोल्ट होता है ना उसको थ्रेड रहते, इसको थ्रेड नहीं खा लिया है ना, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक नंबर पे ये जंजीरा किला है और गिनीज बुक में भी ये जंजीरे किले का जिक्र होता है। समंदर की जब लहरें टकराती है ना इसके ऊपर बरसात में, तो इसकी हाइट 90 फीट है, कितनी फीट है 90 फीट, और 6 फीट के ऊपर 10 फीट के ऊपर जब पानी की लहरें टकराती है ना तो 90 फीट ऊपर पानी उठता है, सोचो कितनी जोर से लहरें पटकती हैं, समझे, फिर भी मजा। इसको ही कुदरत बहुत ज्यादा का करिश्मा होता है ना कि किले के चारों तरफ खारा पानी और बीच में मीठा पानी, तो ये पानी मीठा था, पानी सब लोग इस्तेमाल करने के, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका था, कोई बड़े तालाब से बकेट डालेंगे अंदर और पानी निकालेंगे वैसा लेना परमिशन नहीं था। अगर पानी को लेना है तो बाजू में देखो एक छोटा तालाब बना हुआ है, वैसे तालाब उस तरफ भी वहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, दोनों तालाब से पानी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर एक रानी का महल बना हुआ था, ये टूटी हुई दीवार देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर रानी का महल था, शीश महल, इसमें कांच लगाई हुई थी 7 कलर में, मतलब पहली में लाल, दूसरी में अलग, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में अलग, 7 कलर के कांच पे जब सुबह का या शाम का रिफ्लेक्शन पड़ता था ना सूरज का, तो कांचों का पलट के रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ने का, पानी का कलर 7 रंग का दिखने का, रेनबो होता है ना उस टाइप में, देखो अभी दीवार दिखती है, झाड़ के पत्ते नजर आते हैं ना पानी पे, तो उस जमाने में 7 कलर दिखने के, तो पानी पे 7 कलर पड़े हुए है और पानी साइलेंस है, और इसके अंदर किसी ने बकेट डाला, पत्थर डाला, तो पानी क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और पानी डिस्टर्ब हुआ तो भाई कलर डिस्टर्ब, और कलर डिस्टर्ब, रानी डिस्टर्ब, रानी डिस्टर्ब, तो वाट लगेगी भाई, समझे, राजा डिस्टर्ब। इसके लिए बाजू में तालाब बने हुआ, देखो वो किले का सबसे टॉप पॉइंट, वहां से पूरा किला दिखता है, अगर आपको ऊपर जाना है 125 सीढ़ी नाच गाना प्रोग्राम रहता था ना, तो किसी के घर पे जाके ना दावत नहीं देने की, यहाँ से पहले नगारे बजाने के, ड्रम होता है ना देखो वहाँ से बजाने की, व्हाइट वाला देख रहे ना, वहाँ से बजने के बाद पब्लिक अंदर जमा जाने की, और उसके नीचे देखो लाइन से दरवाजे बनाए हुए हैं, ये इन लोगों की जेल बनाई हुई थी, कैद खाने होते हैं ना वो, नीचे जेल, ऊपर राजा का दरबार, और किले के अंदर 2 कब्रिस्तान थे, एक रॉयल लोगों का और एक कॉमन लोगों का, जब रॉयल लोग मरने के ना तो उनको यहाँ पर दफनाने के सेपरेट मकबरे बनाते थे उन लोगों के, और कॉमन लोग का कब्रिस्तान किले के बैक साइड में था, तो रॉयल लोग का ये है और कॉमन लोग का पीछे साइड में, पता नहीं मिलता बर्मा देश से लाया हुआ, इतना मजबूत लकड़ा है ना ये, इसके आजू बाजू की रिवेट पट्टियां खराब हो गई, लकड़ा मजबूत है, अभी अपन अपने दरवाजे में भिजा कर लगाते हैं ना तांबे पीतल में, पहले के देखो पत्थर में बनाए हुए थे, और दरवाजा हमेशा बंद रहने का, नवाबों के लिए खोलने का, नवाबों से कोई छोटा है तो यहाँ से लेते थे, जिसको डंडी दरवाजा कहते हैं, क्योंकि नवाब इसके अंदर से नहीं आते थे, उनके कॉमन लोग आते थे, प्रजा होती है ना वो, क्योंकि नवाब झुकते नहीं थे किसी के सामने, झुकना वो इज्जत समझते थे, तौहीन समझते थे, तो राजा के लिए कौन निकला और प्रजा इसके अंदर से आएगी, समझेगी ना, अभी ये खुला है राजा। ये सामने देख रहे हैं ना आप लोग, ये इन लोगों के पैसे का सिंबल था, अपने पैसे पे गांधी जी लगते हैं, इन लोगों के पैसे पे ये लगने का शेर, कौन सा वो वाला, तो शेर और हाथी में बड़ा कौन होता है, हाथी या शेर, हाथी जंगल का बादशाह, शेर, तो शेर मतलब नवाब, समझेगी ना, और हाथी मतलब उसकी हुकूमत, सिद्दी जोहर की हुकूमत 6 तालुके पे थी, किला छोड़ के, किले के ऊपर थी वो अलग से, और 6 तालुके पे इनकी हुकूमत थी, जिसमें से 3 तालुके हम लोगों के यहाँ के है, मुरूड, मसला और शिवर्धन, यहाँ के 3 तालुके, उसके अलावा इनकी हुकूमत गुजरात में चलती थी, कच्छ, काठेवार और जाफराबाद पे, यहाँ के 3, वहाँ के 3, कितने में 6, तो उन्होंने अपने पावर को बताया हुआ है कि शेर मैं हूँ और हाथी मेरी हुकूमत है, वरना हाथी के ऊपर शेर ये कोई मतलब नहीं होता, ये लोग के पैसे का सीमा